लाओ, लड़की को उठा कर लाओ। लुखे, जब तक मैं क्रीज पर हूं, आने वाली हर बाउंसर को बाउंस करके बाउंड्री के बाहर भेज दूंगा। मारने की कोशिश की। चंदू बापजी की बहन है। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो उस पे हाथ उठाएगा मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। जानते कि ये किसी लड़के से प्यार करती है? हैदराबाद में मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए भेजा था सिर्फ आपके भरोसे पे, और आपने भरोसा तोड़ दिया। इसके पीछे कौन सा लड़का है और इसके जान के पीछे कौन से दुश्मन है, आपको कुछ भी पता नहीं? शंकर, इस तरह से इस पर हमला करेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। सामने से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए पीठ पीछे वार कर रहा है। ऐसे में हमको और भी चौकन्ना रहना होगा। हमें चंदू को उसकी पहुंच से दूर रखना होगा। इसे किसी से प्यार भी हो गया है, इसे कैसे रोकोगे? दीदी की गलती मैं नहीं दोहराऊंगी भैया, आपकी रजामंदी के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ मत बोलो तुम। मैं भरत से तुम्हारी दीदी की शादी करने वाला था, लेकिन वो भाग गई। अब मैं 8 दिन के अंदर तुम्हारी और भरत की शादी करवाऊंगा और उसे दिया हुआ वचन पूरा करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, समझे? सत्या, ये चाहे किसी भी लड़के से प्यार करती हो, वो जिंदा नहीं बच सकता। बिना उसकी गर्दन काटे मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा।
ध्यान से सुनो, अगर हमने भैया से कहा कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो भैया हमारा राशन कार्ड से नाम कटवाएंगे और उसे ढूंढने दोबारा भेजेंगे। इतनी धूप में कौन भटकेगा? इसलिए हम कहेंगे उसे टपका दिया। भैया हमने उस लड़के को टपका दिया। हाँ भाई, शाबाश। भैया उस लड़के को लेकर बाबजी की सारी टेंशन खत्म कर दी हमने। बाबजी को टेंशन सिर्फ उस लड़के का नहीं, कोई और भी है। और कौन? एक आदमी जो जानता है कि शंकर हमारा दुश्मन है, जिसने चंदू को मारने के लिए शंकर को अपने साथ मिला लिया। कौन है वो? वारंगल का केशव रेड्डी। जो मेरे लिए काम करता है उसके लिए 100 खून भी माफ है, लेकिन मेरे खिलाफ काम करने वाला गद्दार कहलाएगा। या तो वो गद्दार अपना नाम बताए, नहीं तो 10 मिनट में मेरा फोन बजेगा और बाबजी को मेरा प्लान किसने लीक किया पता चल जाएगा। अगर ईमानदारी से अपना नाम बताओगे तो जीवन दान मिलेगा, नहीं तो गीदड़ की मौत मरोगे। भैया मिश्रा, काम हो गया, फोन काट दे। भैया 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 मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भैया भैया माफ कर दो भैया, मैंने आपका नमक खाया। भैया इस घर का नमक खा के वफादारी बाबजी से करते हो? माफ कर दो भैया। मेरे घर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी है, मेरे चारों तरफ मेरे आदमी हैं, दोनों का मजबूत होना जरूरी है। ले चल। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। है अपनी वफादारी दिखाने का दूसरा मौका भी खो दिया। लास्ट चांस। खुद को मार, खुद को मार। भैया भैया क्या है? अभी अभी खबर आई है कि बाबजी की बहन दोबारा घर लौट आई है। मौत से बचकर कोई कहां तक भागेगा? हाय, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो ठीक है। पहले तू बाबजी की बड़ी बहन की शादी कराने यहाँ से चला गया था और अब दोबारा आया उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए। तेरा मकसद क्या है यार? शादी के बाद उसके बच्चों का बाप बनने का रे। तू मैं मरवाना चाहता है क्या? जिस पर तेरा दिल आया वो बाबजी की बहन है, तूने उससे प्यार क्यों किया? मैंने बाबजी की बहन से प्यार नहीं किया, जिससे प्यार किया वो बाबजी की बहन निकली, मैं क्या करता? चाहे हम बम पर गिरे या फिर बम हमारे पर गिरे, फटना तो हमें ही पड़ेगा। बाबजी के गुंडे हर जगह तुझे तलवार लेके ढूंढ रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि तू उनकी छोटी बहन से शादी करने वाला है तो वो तेरा मर्डर ही कर देंगे। तू चाहता क्या है? मुझे उन्हें अपनी स्टाइल से मनाना पड़ेगा। वो नहीं माने तो लड़की लेकर रफो चक्कर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा कि मैं जीएम क्लब में जुआ खेलने जाता हूँ? तुम्हारे बेटे ने। गुस्से से मत देखिए, सुसु आती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू पापा राव है, प्यार से लोग पप्पी कहते हैं। एक मिनट, क्या इन्होंने मेरा नाम पूछा? सर मेरा नाम सिपेश आलार है, प्यार से सिप्पी कहते हैं। क्या काम करते हो? सुबह पूजा में ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद लंच ले। मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकफास्ट करता है, यानी सिर्फ खाता है और आराम करता है। ज्यादा भंकस की ना तो खटिया खड़ी कर दूंगा। अब जल्दी बता तेरा बेटा कहाँ है? वो हैदराबाद में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं पता। मैंने उसके पापा होने के सारे सबूत मिटा दिए, उसका नाम जायदाद में से भी हटा दिया। ये सब करने के बाद मैं उसका बाप कैसे हुआ सर? यानी तो सीधी तरह से नहीं बताएगा कि वो कहाँ है? वो कहाँ है हम नहीं जानते सर, इसकी कसम।
मारिए। सर, मरे हुए को मारने से क्या मतलब सर? और कितना सर खाएंगे सर? जब तक इसका बेटा नहीं मिलता तुम दोनों यहीं सड़ोगे। भाई, मिनिस्टर के फंक्शन में जाने का टाइम करीब आ गया है। नमस्ते। नमस्ते बाबजी। कैसे हो? सलाम कबूल करो। लड़की के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, उससे बात करना इम्पॉसिबल है। Hey, सब लोग होशियार रहना। थैंक यू। अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो उड़ा देंगे। स्माइल प्लीज मैडम, आपसे कह रहा हूँ, स्माइल प्लीज। मैडम, कैमरे की तरफ देखकर एक बार स्माइल तो कीजिए।